क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है? नंदो। क्या जो आपने पढ़ाई की? नंदो। क्या आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करा? नंदो। करो फिर तो करो ना भाई, परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से। तो गाइस अभी मैं जिम कर आई, और नहीं मैं ये वाले कपड़े जिम पहन कर नहीं गई, मैंने कपड़े चेंज करे क्योंकि आज मेरी कॉफ़ी डेट है जहाँ पर मैं अभी जा रही हूँ। तो आपको दिखाती हूँ कि मैं किससे मिलने वाली हूँ। ये रही मेरी आज की कॉफ़ी डेट। हाय गाइस, देखो यहाँ पर कितने क्यूट कुत्ते हैं। मैं ये वाली कॉफ़ी लेने वाली हूँ। Compose coffee. आज हम पहली बार वीकी कॉफी ट्राई करते हैं। मैंने अभी तक ट्राई नहीं करी यहाँ की। इसको अच्छे से मिक्स करना है। Everyone together. V is a composer. Everyone is a composer. Compose coffee. नहीं, नहीं। तो गाइस, मुझे ये फ्री फंडे में बिस्कुट मिला है। अभी जल्दी से घर पर चलते और सो जाने की तैयारी करते क्योंकि वहाँ पर मैं जाने वाली हूँ, मेरा हेयर कट भी करवाने वाली हूँ। ये वाला स्टैच्यू जो पाइप्स होते हैं ना उससे बनाया हुआ है, ये वाले पाइप। इसका मैं आपको पिछवाड़ा भी दिखा देती हूँ। और ये रहा इसका पिछवाड़ा। नहीं 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 नहीं, अंकल जी चिंता हो गए कि ये लड़की क्या कर रही है यहाँ पे। मैंने भागते भागते ये वाली लिफ्ट ली और अभी देखना क्या होने वाला है, बहुत ही फनी सीन होगा। बेचारा वो लड़का डर गया कि मैं उसका पीछा कर रही हूँ उसके अपार्टमेंट में जाने के लिए। यार इतने भी बुरे दिन नहीं आए मेरे। कॉफी शॉप से मेरे लिए कुछ नहीं लेकर आई। मम्मा तेरे लिए वहाँ पर कॉफी नहीं मिलती, I'm sorry। गाइस अभी मैं नहा धो के आ गई हूँ और आज हम जाने वाले सोल हमारी मस्त हेयर कट करवाने के लिए। और मैंने शैम्पू इसलिए करा ताकि कि हेयर शॉप में शैम्पू के पैसे बच जाए। यार मैं ऐसी अमीर नहीं बनी। बाय द वे गाइस, आपने रियलाइज करा कि मैं कैसे फटाफट एक के बाद एक वीडियो अपलोड कर रही हूँ? कौन हूँ मैं? पागल इन कोरिया। इस बार मैं सोच रही हूँ कुछ बैंग्स या भेड़िया कट होता ना वो वाला करवाऊँ। और मैंने मेरी पूरी लाइफ में कभी प्रॉपर बैंग्स नहीं रखे तो ये कुछ अलग ही होने वाला है। अभी मैं जल्दी से रेडी शेडी होती हूँ सो जाने के लिए। तुसी जा रही हो? हाँ मैं जा रही हूँ। तुसी बाहर मिलो। वो जमाने गए जब हम ये बस लेके जाते थे, आज मैं ये वाली प्लेन लेकर जाऊंगी। कुछ भी सोल में आपको ऐसी लंबी लंबी ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स बहुत सारी मिलेगी। आजकल के-पॉप में से नए नए आइडल्स आने लगे, मुझे पता भी नहीं कि ये कौन है। अगर आपको पता है कि मस्त मस्त लकड़ा कौन है मुझे प्लीज कमेंट में बताना। गाइज ये रहा वो हेयर शॉप और यहाँ पर फिरंगियों के लिए अलग अलग डिस्काउंट भी होता है। अभी ऊपर चलते हैं। यहाँ पर मैंने ऑलरेडी 2 बार ट्रीटमेंट करवाया था, जो स्ट्रेट पर मुझे ना 2 बार ही करवाया था और इस बार 3rd time होने वाला है। यहाँ से कुछ ना आया गाइस अभी हमने गाउन पहन लिए और हेयर उनको दिखाते हैं, मुझे स्ट्रेस हो रहा है। तो सबसे पहले मैंने हेयर स्टाइलिस्ट को बोला कि मुझे ये वाली बैंग्स चाहिए और उन्होंने साफ मना कर लिया क्योंकि मेरा थोबड़ा काफ़ी छोटा है ना, तो उन्होंने बोला कि अगर ये वाला पार्ट कवर हो जाएगा तो मेरा फेस स्क्वायर जैसा दिखेगा। तो उन्होंने साफ मना कर दिया और बोला कि ऐसे साइड वाली जो बैंग्स होती ना वो वाली मुझे करनी चाहिए। सबसे पहले मैं हेयर ट्रीटमेंट करवाने वाली हूँ, उसके बाद में जो बैंग्स होती है ना वो वाली भी करवाऊंगी। अभी हमारा मस्त मसाज चल रहा है। वैसे तो मैं घर पर ही साफ करके आई थी लेकिन कोई फायदा नहीं, उन्होंने बोला कि फ्री में कर देंगे। और जैसे मेरा मस्त मसाज चल रहा था मुझे ठंडी लग रही थी, तो उन्होंने स्वीटली जो कम्बल होती ना वो मुझे ओढ़ा दी। और शैम्पू करने के बाद में मेरी खोपड़ी देखो कैसे लग रही है, बिल्कुल अंडा लग रही है, उबला हुआ अंडा। शैम्पू कर लिया है और अभी यहाँ पर ट्रीटमेंट करेंगे। अभी गाइस मुझे इस एलियन जैसी मशीन में डाल दिया है, मेरे बालों से धुआं निकल रही है। मोरी चल रहा
मुझे अभी अजीब सा फील हो रहा है क्योंकि लाइफ में मैं पहली बार बैंग्स करने वाली हूँ, मतलब कि शायद बचपन में करे होंगे, कभी करे होंगे तो, लेकिन बुढ़ापे में पहली बार कर रही हूँ। अभी मेरे बालों की सेटिंग कर रहे हैं क्योंकि मैं कुछ देर बाद में एक इवेंट में जाने वाली हूँ। गाइस क्या आप रेडी हो फाइनल हेयर स्टाइल देखने के लिए? 3, 2, 1 दादान फाइनल रिजल्ट। तो कितने सुंदर और हेल्थी लग रहे हैं। जो भेड़िया कट होता है ना उस टाइप का करवा रखा है मैंने। गाइज आप प्लीज कमेंट में बताना कि आपको ये वाला कट कैसा लग रहा है। ठीक है माता मैंने इनको बहुत बहुत मनाने की कोशिश की कि थोड़ा ले लो, 50% कम ले लो, लेकिन फिर भी वो मना कर रहे थे। उन्होंने पैसे मना ही कर दिए लेने के लिए, मैं क्या करूँ। जैसे ही मैं बाहर निकली ना यहाँ पर बारिश शुरू हो गई है। लास्ट से लास्ट व्लॉग में मुझे फ्री का पैनकेक मिला, उसके बाद में लास्ट व्लॉग में मुझे फ्री की कॉफी मिली थी, और इस बार मुझे फ्री का हेयरकट मिल गया। थैंक यू सो मच सीसी है। बारिश में मेरे बाल गीले नहीं कर सकती, नहीं तो वो पूरे खराब हो जाएंगे। अभी अभी तो इतनी मस्त फ्री फंडे की कटिंग कर आई हूँ। तो यहाँ पर सामने उस कन्वीनियंस स्टोर से मोटरसाइकिल, उस कन्वीनियंस स्टोर से हम एक छतरी लेकर आते हैं। ये रहा मेरा 400 का छतरी। फिर भी कैसे ना कैसे मेरे पैसे खर्च होते रहते हैं, और आपको पता है मेरे घर में कम से कम 15 छतरियाँ होंगी, जो कि मैं ऐसे जब बाहर जाती हूँ बरसात शुरू हो जाती है तो मुझे खरीदनी पड़ती है। अभी हम मेट्रो लेने वाले हैं यहाँ से। यहाँ पे अभी तक जे होप के जो बर्थडे के जो पोस्टर होते हैं ना वो वाले चल रहे हैं। बाय द वे अभी हम मेट्रो लेंगे। मेट्रो आ गए क्या? अभी हम मेट्रो लेंगे क्योंकि जो ब्यूटी इवेंट है ना वहाँ पर मुझे जाना है। फाइनली मेरा स्टॉप आ गया। और बाय द वे ये रहा मेरा इनविटेशन कार्ड इवेंट के लिए, और यहाँ पर रहा एक चांदी का छल्ला। इस बिल्डिंग के ऊपर कोई अपनी जूती छोड़ के चला गया। अरे यहाँ पर भी रही एक और जूती। गाइस ये इत्तू से बैग कितने क्यूट है, लेकिन मेरी उंगली से भी छोटे हैं, और इनका प्राइस तो देखो। गेस करो ये सारे लोग लाइन में क्यों खड़े हैं? नहीं यहाँ पर कोई फ्री में प्रसाद नहीं मिल रहा, यहाँ पर एक बेकरी है। सो गाइस ये रहा वो स्टोर। हाय डू यू लाइक माय हेयर? इज इट नाइस? अगर आपको याद नहीं सारंग मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है जो कि इस बड़ी सी स्किन केयर और मेकअप कंपनी में जॉब करती है, तो उसने मुझे यहाँ पर इनवाइट करा था। You brought him with you. Oh, I'll take your umbrella. Thank you so much. So guys, अभी हम ये वाला स्टोर, मेकअप स्टोर देखने वाले हैं। Do you like it? It's so different from my our old free, right? So guys, मैंने लास्ट व्लॉग में यूज करी थी ना ऐसे ब्लश लगाने के लिए, ये वो वाली है। अभी आपको दिखाती हूँ। Oh no, it's finished. Oh no. What? ऐसा मन करता है कि इनको खा लो। तो ऐसे ब्रश के साथ इसके अंदर डालो और लिपस्टिक की तरह या फिर ब्लश की तरह यूज कर सकते हो। ये बेचारा किसी का बॉयफ्रेंड भी यहाँ पर आ चुका है। ये सारी लिपस्टिक्स है। ये वाली है ग्लॉस लिपस्टिक और ये वाली है फाउंडेशन। सो गाइस सारंग मुझे फ्री फंडे में इनमें से कुछ लिपस्टिक देगी, तो मैंने ये वाला कलर चूज करा है। चलो ये वाली भी लेते हैं, वैसे भी फ्री फंडे में मिल रही है तो ये वाली भी ले लेते हैं। गुड 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 सारंग। जो मेरा सिल्वर का चाबी का छल्ला था ना उसके अंदर वो लिपस्टिक डाल रहा है। इस क्यूट से घर के अंदर मेरा सारा फ्री फंडे का सामान डाल रहे हैं। Really? Yeah. Oh. 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 Oh my god guys, मैं famous हो गई। और अभी मैं और सारंग जाएंगे इंडियन रेस्टोरेंट में डिनर करने के लिए, क्योंकि आज मैंने ना लंच भी नहीं करा। गाइस अभी इंडियन रेस्टोरेंट में आ चुकी हूँ, देखो कितना सुंदर है। अच्छा थैंक यू। समोसा सारंग ये रुक के मांगा। ये रही मैंगो लस्सी। चीयर्स। मैं आपको मेरे पतलेपन का राज बताती हूँ। मैं बहुत सारी बार है ना इतनी बिजी रहती हूँ कि मैं खाना ही खाना भूल जाती हूँ, तो इस बार मैंने बहुत सारा खाना ठूसा, और उसके बाद में सारंग ने मेरे लिए टैक्सी बुलाई। बाय, टेक केयर। थैंक यू। हम नंबर 4 में हो। हम नामिता। बेके गूगल लाशिन गए। आमा 5개 정도? 5개. 부럽다. 아니에요. 그거 부러운 거 아니에요. 왜냐면 제가 하나도 자세히 몰라요. 못 믿겠는데요? 아니요, 진짜요? 정말요? 택시 아저씨께 사드 버스리 맛에다를 봤대기. 얼, 예리히 메리 트레인 광주 가는 길. 이건 절대 게으름 피우는 게
पूरा दिन बाहर घूमते घूमते आपको आइडिया भी नहीं होगा कि मैं कितनी थक चुकी हूँ, मुझे बस घर जाना है। इस ट्रेन में बातें करना मना है, अगर आप बात करना चाहते हो ना तो आपको दूसरे कंपार्टमेंट में बैठना पड़ता है। तो मैं आपको डायरेक्टली क्वांगझू में मिलती हूँ। ये वाला है अमीर लोगों का बैग शॉप, और जो सच में अमीर लोग होते हैं ना वो ये वाला बैग यूज करते हैं। छापातीपना दिजोर। यहाँ पर आजोशी को देखो जो बियर पी के इतने खुश हो रहे, लेकिन हम शरीफ लोग हैं, हम सिर्फ वी की कॉफी पीते हैं। मैं ये वाली बैंग्स करवाऊँ, ये मुझे बहुत सुंदर लगती है, जो केर ड्रामा में सारी लड़कियाँ रखती है ना वो वाली है। लेकिन सारे यहाँ के हेयर ड्रेसर ने बोला कि क्योंकि मेरे बाल वेवी है ना, तो अगर मैं वो वाला करवाऊँगी तो वो वेवी आएगी और मुझे हर दिन उसको स्ट्रेट करना पड़ेगा। तो उसकी वजह से उन्होंने बोला कि तेरे बाल जल जाएंगे और लॉन्ग टर्म के लिए सही नहीं है, तो उसकी वजह से मैंने ये वाला करवाया। यहाँ पर किसी ने लिखा है प्लीज़ स्कूल को ख़त्म कर दो।